हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का लेसन फाइव, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है। ये पॉइंट उसी के बारे में है कि जब बारिश आती है तब लोग सारे कैसा फील करते हैं, उन्हें कैसा लगता है, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि रेन कैसी होती है, सबको कैसी लगती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले है कुछ वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले है फायरी। फायरी का मतलब क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, फायरी, फायर की बात हो रही है, फायर मतलब आग। तो फायरी का मतलब क्या हो जाएगा, उग्र, मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म हो, ठीक है, तेजस्वी, जैसे जैसे धूप के कारण सेक निकलता है ना दीवारों में से, उग्र होता है वो, क्या होता है, फायरी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है लेन। लेन का मतलब होता है गली, गलियां, जैसे नैरो लेन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा नैरो लेन, मतलब भीड़ी गलियां होती हैं जो, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है चैटर। चैटर का मतलब होता है दस्तक देना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है गशिश। गशिश का मतलब क्या होता है, बौछार होना, ठीक है। उसके बाद है ट्रैम्प, टी आर ए एम पी, ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अवारा, ठीक है, बिल्कुल अवारा की तरह घूमना। उसके बाद है हूफ, एच डब्ल्यू एफ, हूफ। हूफ का मतलब होता है खुरे, जैसे परनाले होते हैं ना छतों पे जिसके से पानी जो है बाहर निकलता है, तो वो क्या होती है, हूफ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज। उसके बाद हमारा वर्ड है ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बहुत ज्यादा स्पीड से कुछ पानी जैसे बहना, ठीक है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बहना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या होता है, टोंटी, ठीक है, टोंटी इसका मतलब जैसे धारा, ओके, प्रणाले में से निकल रहा है, गटर में से होता है, जो गटर, ये सारी चीजें क्या किस में आती है, स्पॉन्ज में आती है, ओके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पॉइंट। ये देखिए ये लड़की कैसे रेन को एंजॉय कर रही है। मैं भी पर्सनली रेन को ऐसे ही बहुत एंजॉय करती हूँ। होप्स आप सभी को भी रेन अच्छी लगती होगी। कैसी लगती है रेन कमेंट करके जरूर बताना। चलो छोड़ो इन सब बातों को, स्टार्ट करते हैं हमारी पॉइंट। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, रेन कितनी ब्यूटीफुल है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, बहुत ज्यादा मिट्टी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और उस गर्मी के बाद क्या हुई है, बारिश हुई है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट का मतलब क्या है, ब्रॉड मतलब बड़ी, फायरी मतलब उग्र, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी पहले, ठीक है, उस स्ट्रीट में क्या शुरू हो गई है, अभी ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट में क्या शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द लेन, नैरो लेन मतलब भीड़ी सी गलियां, टाइट टाइट सी गलियों में से बारिश हो रही है, तो बारिश कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाउ इज क्लैटर अलोंग द रूफ, हाउ इज क्लैटर, सी एल ए डबल टी ई आर एस, हाउ इज क्लैटर अलोंग द रूफ, कि कैसे बारिश ने क्या जो दस्तक दी है छतों पे, ठीक है, जब जो बारिश जो है वो छत पे जैसे गिरती है, ठीक है, जैसे आवाज आती है ना, तो वो क्या है, कैसे बारिश ने क्या दस्तक दी है छतों पे, दस्तक दी है, आगे क्या, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, जैसे क्या है, हूफ्स में आ जाती है, ठीक है, ट्रैम्प ऑफ हूफ मतलब खुरों में, ठीक है, जो खुरे होती है, जैसे घोड़े के चलने की जो आवाज होती है ना, घोड़े के चलने से जो आवाज आती है, उस आवाज से जैसे सारे फर्क होते हैं, वैसे ऐसे लग रहा है कि छतों पे वैसे ही आवाजें हो रही हैं, ठीक है। हाउ इट गशिज एंड स्ट्रगल आउट, हाउ इट गशिज एंड स्ट्रगल आउट, कि कैसे क्या है, बारिश हो रही है, कैसे बौछार हो रही है, एंड स्ट्रगल आउट, और ये सारी बारिश क्या है, स्ट्रगल कर रही है। फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पोर्ट्स, ओवरफ्लोइंग स्पोर्ट्स का मतलब वो जो परनाले हैं जिसके जरिए पानी छत से नीचे आता है, वो परनालों में क्या है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी का, तो पानी क्या है, वहां पे बारिश का पानी स्ट्रगल कर रहा है, कि परनालों को थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पोर्ट, परनालों का जब उसको गला बोला गया, क्या परनालों का जो गला है, ठीक है, परनालों का छोटा सा जो गला है, उसके बीच में से जो पानी कैसे है, स्ट्रगल करके नीचे आ रहा है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, विंडो पेन में से मतलब जो खिड़की की फल की है, खिड़की के ऊपर छत के ऐसे कुछ बना होता है, उसके ऊपर से इट पोर्स एंड पोर्स, कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके क्या है, गिरता ही जा रहा है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, थोड़ा कम भी है और थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है। विद अ मडी टाइड, वो जो पानी है उसमें क्या है, मिट्टी भी है, ठीक है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक रिवर, नई रिवर बन गई है, और उसका रिवर का सारा पानी है वो इकट्ठा होकर क्या है, गटर में बहता ही जा रहा है, ठीक है, गटर में इकट्ठा होता जा रहा है। द रेन द वेलकम रेन, तो रेन को क्या बोला, रेन द वेलकम रेन, कि बारिश जो है वो बारिश आ रही है और आती जा रही है, और उस नई बारिश का क्या है, स्वागत किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी आपकी पॉइंट,
हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। होप आपको भी रेन उतनी ब्यूटीफुल लगी होगी और पॉइंट भी उतनी ब्यूटीफुल लगी होगी और पॉइंट समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और हाँ, एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट साथ ही साथ मिलती जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।